मॉर्निंग बच्चों, हमने अभी तक पार्ट टू लालच पूरी वाला है जो अलिफ लैला से लिया गया है। हमने यहाँ तक देखा कि कैसे बाबा अब्दुल्ला बता रहे हैं कि वो कैसे एक फकीर से मिले, उसके बाद कैसे उस फकीर के साथ गए, उसने ऐसे सहज बोलते बोलते बता दिया कि तुम इतना श्रम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो तुमको ऐसे यहाँ पास में जाना है, वो मुझे पता है, वो वहां लेकर जाता है, बोलता है ऐसे जवाहरात लो, रत्न लो, बहुत महंगे हैं इससे मोती मूंगा माणिक, और वो लेकर दोनों भी आ जाते हैं। वहां एक बिबिया मिलती है उस फकीर को। तो इस पाठ के माध्यम से जो इसमें का खुद व्यक्ति है जिसने उस गलती को किया है, वो खुद हमको ये बात बताना चाहता है कि जो गलती, और इस पाठ का उद्देश्य ही कि जो गलती उसने की वो कोई और ना दोहराए, उससे सीख ले कि लालच कैसे हमारे बुद्धि पे पर्दा डाल देती है, कैसे अक्ल पे पर्दा डाल देती है। आज की शीर्षक में हमें आखिरी का जो बचा हुआ है, अभी तक हमने देखा कि वो उसको ले जाता है, कैसे ले जाता है, वो पूरा बताते हैं बाबा अब्दुल्ला कि वो कैसे मिला खाना खाते वक्त, या शुरू से बाबा अब्दुल्ला के जीवन का कैसे उत्तराधिकार उन्होंने पाया, फिर कैसे पैसे कमा दिए उन्होंने सब मौज मस्ती में, फिर कैसे श्रम और मेहनत से बहुत सारा कमा रहे हैं, उनको किराए पे देके, तो ऐसे 40 रुपये को जब एक दिन लेके बैठे थे खाना खा रहे थे, तो वहां ऐसे एक फकीर मिलता है और वो बोलता है कि तू इतना श्रम करता है, तो ऐसी जगह यहाँ से कुछ दूरी पर जहाँ अपार द्रव्य भरा पड़ा है, तुम इन 80 रुपये को बहुमूल्य रत्नों और शक्तियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर के लिए काफी होगा। बहुत खुश हो गए बाबा अब्दुल्ला कि अगर ऐसा हो जाए कि ऐसा धन मिल जाए, खजाना मुझे, तो सचमुच मुझे इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और वो साथ में जाता है, फिर वो कैसे लेकर जाता है, वो कैसे वो पहाड़ी आती है, वो सारी चीजें उस पाठ में हमने पीछे देखी। तो यहां तक देखा कि पहले वो खुद इतना खुश होकर बाबा अब्दुल्ला कहते थे कि मैं उसमें से अगर मुझे ऐसा खजाना मिला तो मैं आपको अपना एक ऊंट दे दूंगा। तो वो फकीर कहता है कि मतलब फकीर ने कुछ मांगा भी नहीं है, लेकिन फकीर और ये बाबा अब्दुल्ला कहते थे कि मैं एक ऊंट दे दूंगा, मन में द्वंद चल रहा है, एक ऊंट मेरा, एक ऊंट चला जाएगा, मतलब वो लालच है। बाबा अब्दुल्ला बहुत लालची व्यक्ति है, एक ऊंट भी क्यों, खजाना मिल रहा है ठीक है, लेकिन उसके लिए एक ऊंट भी क्यों, ये वाली जो सोच है फकीर से छुपी नहीं रहती। फकीर बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वो इसके मन के भाव को समझ जाता है, तो कहता है एक से मेरा क्या होगा, अगर तुम 40 ऊंट देने को तैयार हो, एक ऊंट लेके क्या करूंगा, तो आधे ऊंट अगर मुझे दे दोगे 80 में से 40 तो मैं तुमको वो जगह दिखाऊंगा, क्योंकि वो इसकी बस परीक्षा लेना चाहता है कि ये इस लालच से थोड़ा निकले। लेकिन वो तैयार हो जाता है पहले खजाने को, इतना बड़ा खजाना मिल जाएगा, साथ में जाता है लेके और खजाना भी मिल जाता है, फिर दोनों खजाने में सारी कुर्सियां भर लेते हैं, सारी अशरफियां सोना पानी की मोती हीरा भर लेते हैं। लौटते वक्त जब वो लेके लौट रहे हैं, 40 इसके पास है, 40 इसके पास, और पता नहीं क्यों इसको लगने लगता है बाबा अब्दुल्ला को कि 40 ऊंट कोई समझाता है। अब देखो क्या कितना ज्ञानी बन जाता है इस समय बाबा अब्दुल्ला, वो फकीर को समझाता है कि आप 40 ऊंटों का क्या करेंगे, आप तो पूजा पाठ करने वाले, ईश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, आपको इनसे तकलीफ ही होगी, इनको संभालना पड़ेगा, तो आप मुझे 10 ऊंट दे दो। ऐसे करके बार बार 10 ऊंट 10 ऊंट 10 ऊंट करके पूरे 40 ऊंट वापस ले लेता है बाबा अब्दुल्ला कि आप क्या करेंगे, आपकी साधना में तो मतलब बिना काम इसमें व्यवधान पड़ेगा, मतलब आपको मुसीबत होगी इनको संभालने रखने में, आप तो ईश्वर की साधना में रत रहने वाले व्यक्ति हैं, ऊपर वाले की साधना में रत रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा करके 10-10-10 ऊंटों को दे देता है, ठीक है होता है। और उसके बाद बाबा अब्दुल्ला को लगता है कि उसने वहां से एक डिबिया उठाई थी, कुछ जादुई कुछ था उसमें, वो डिबिया इसके पास है, वो भी मुझे चाहिए, वो उसके लिए जिद बैठ जाता है बाबा अब्दुल्ला। सारे उपाय का भी उसके मन का कोट खा गया, मैंने उससे कहा ये बाबा अब्दुल्ला को पता है, साई जी आपने इतनी कृपा की है तो मरण की डिबिया भी मुझे दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। लेकिन फकीर कहता है कि नहीं मैं वो नहीं दूंगा, वो नहीं दे सकता मैं। लेकिन अब बाबा अब्दुल्ला बताते हैं कि मुझे उसका
भी लालच था, मैं उसका लालच छोड़ नहीं पा रहा और इसके लिए मैं जिद पर अड़ गया, इज्जत करने लगा, इज्जत करने लगा, वाद विवाद करने लगा, नहीं मुझे बिटिया को चाहिए। पर बाप को फकीर समझ गया कि ये मानने वाला नहीं है। फकीर ने कहा ठीक है मैं तुझे डिबिया दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इसके बारे में जानकारी भी ले ली इस डिबिया के बारे में, इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है। इस डिबिया के अंदर जो मरहम है, अगर उसको तो बाई आंख पे लगाएगा, तुझे ऐसे गड़े खजाने जहां जहां है भूमि के अंदर, वो सारे कहीं भी हो वो सारे दिखाई देने लगेंगे। इस गुप्त कोष जितने हैं संसार के सारे गुप्त कोष तुझे दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अगर तुमने इसे अपनी दाहिनी आंख पे लगाया तो सदा के लिए अपनी दोनों आंखें को खो दोगे, आंखों से अंधे हो जाओगे। अब तो लालच में पूरी तरह से पड़ा हुआ है। जब लालच इंसान पर छा जाता है, लोभ एक ऐसा दुर्गुण है कि उस लोभ में लालच में मनुष्य इतना अंधा हो जाता है, वो आगे पीछे कुछ सोचता नहीं है, उसकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो क्या करने जा रहा है। इस बात से सीख लेनी चाहिए। उसको लगता है कि चलो मैं ये लगा के देखता हूं, बोलता है आपको तो सब जानकारी है, इसके आप मेरे बाई आंख पे इसको लगा दीजिए। और बाई आंख पे लगाते से वो मरहम, डिबिया का मरहम लगाते से इसको सारे गुप्त कोष गुप्त खजाने के अंदर के दिखाई पड़ने लगते हैं। दिखाई पड़ने लगते हैं तो इसको अब भी संतोष नहीं है, ये कहता है कि दाहिनी आंख पे भी लगा दो, जो बचे हुए कोष है बचे हुए गुप्त खजाने को मुझे दिखाई पड़ने लगे। तो उसको समझाता है पकी ऐसी गलती मत करना, दोनों आंखों से सदा के लिए अंधा हो जाएगा। पर वो मानने को तैयार नहीं है। यहां तक हमने पूरा लेसन देखा था, इसके आगे मैं अभी पढ़ती हूं साथ साथ और आपको एक्सप्लेन करती हूं। मैंने सोचा कि और एक खजाने होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे, मैंने दानिया बनके और फकीर से कहा इस पर भी मरहम लगा ताकि बाकी खजाने भी मुझे दिख रहे। फकीर ने कहा ऐसी बात ना करो, अगर दाहिनिया की मरहम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओ। मेरे अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था। अक्ल पर पर्दा पड़ना यानी कुछ भी ना दिखाई देना, ना सूझना, मतलब बुद्धि से काम लेना ही नहीं चाहता है व्यक्ति। अक्ल पे पर्दा पड़ जाए, अक्ल पे पर्दा पड़ जाए तो मनुष्य अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता है। उसके मन में जो भाव है, जिस लोभ लालच जिस भी चीज में वो पड़ा हुआ है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। लोग ईर्ष्या में एक दूसरे की हत्या कर डालते हैं, एक मानवीय जीवन दूसरे मानवीय जीवन को समाप्त कर देता है केवल इसलिए इतनी ईर्ष्या। तो वहां पर भी ये बात लागू हो जाती है कि अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, भूल जाता है व्यक्ति। भाई आज हम लोग कहते हैं कलयुग है, भाई भाई का कत्ल कर देता है, भाई भाई को मार डालता है केवल थोड़े से जमीन के टुकड़े के। तो इसको कहते हैं अक्ल पे पर्दा पड़ना। मेरे अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि मुझे धोखा दे रहा है। यह भी संभव है कि दाहिनी आंख में मरहम लग जाने से मुझे उस फकीर की शक्तियों का रहस्य मालूम हो जाए। तो अक्ल पे पर्दा पड़ता है तो ऐसी बुद्धि चलती है, ये मुझे जानबूझकर नहीं बताना चाहता, हो सकता मेरे दाहिनी आंख पे मरहम लग जाए। तो जैसे इसके उसको इतनी जानकारी रहती है सब चीजों की, इतना ज्ञानी व्यक्ति मुझे भी, मैं भी वैसा अभिमान बन जाऊ, इसका इसकी शक्तियों का रहस्य क्या है मुझे मालूम पड़ जाए, क्योंकि उसने ऐसे जो भी किया, धुआं लकड़ियां खुल गई तो एक टीला दिखाई पड़ा, वहां से रास्ता बन गया जाने का। जो भी वो फकीर बार बार कहता रहा कि यह मूर्खता भाई जिद छोड़ो, अब उनको दाई आंख में लगाने की बात ना करो, किंतु मैं यही समझता रहा कि वह स्वार्थवश मेरी दाई आंख में मरहम नहीं लगा रहा। उसने मुझसे कहा भाई क्यों जिद कर रहा है, मैंने तेरा जितना लाभ कराया है क्या उतनी ही हानि मेरे हाथों से उठाना चाहता है, मैं एक बार भलाई करके तेरे साथ बुराई क्यों करूं। किंतु मैंने कहा जैसे आपने अभी तक मेरे हर जिद पूरी की वैसे आपकी जिद भी पूरी कर दी, अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी, आप पर नहीं। वो व्यक्ति जिद पे अड़ा हुआ है बाबा अब्दुल्ला, और वो साधु समझा रहा है फकीर, मैंने तेरा अभी तक जितना फायदा करवाया, जितना लाभ करवाया, जितना तुझे खजाना मिला, तू क्यों चाहता है कि अब मैं तेरा बुरा करूं, मेरी वजह से तेरा कुछ अगर थोड़ा भला हुआ है तो तू क्यों चाहता है मेरे हाथों से तेरा बुरा हो, मेरे ही हाथों से। लेकिन बाबा अब्दुल्ला तो जिद कर रहा है, कहता है कि नहीं आप लगा दो मेरी दाहिनी आंख पे मरहम, मैं देखूंगा, मैं जिम्मेदार हूं, अगर कुछ होता है मेरे साथ बुरा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, आप नहीं रहेंगे। और जैसे आपने मेरी अब तक हर जिद पूरी की है ऐसे ये भी जिद पूरी की। फकीर ने कहा अच्छा तो अपनी बर्बादी चाहता है, तो वही से वो फकीर व्यक्ति है वो कितनी देर तक समझाएगा,
और आदमी जब जिद पे अड़ा हो ऐसे अपना ही नुकसान, मतलब जिस गाली पे बैठा हो उसी को काटने पे लगा हो एक चिल्ली बनकर, तो उसको कोई नहीं बचा सकता है किसी से, क्योंकि वो किसी की सुनेगा नहीं है। तो उसने कहा ठीक है तो आपकी बर्बादी चाहता है, तो वही सही है। अगर तो उसने लिखा नहीं आपका कि पलक पर भी उस मरहम को लगा दिया, मरहम लगते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया, मुझे अपार दुख हुआ, मुझे अपनी मूर्खता भी याद न रही। मैंने फकीर को भला बुरा कहना शुरू किया और कहा अब यह सारा धन मेरे किस काम का, तू मुझे अच्छा कर दो, अपने हिस्से के 40% लेकर चले जाओ। उसने कहा आप कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी। जैसे ही दानिया के मन में लगवाया दोनों आंखों से अंधा हो, अब इसे गुस्सा आने लगा, उस फकीर से लड़ने लगा, उसे भला बुरा कहने लगा और कहा कि नहीं अब ये मेरे किस काम का ये धन दौलत अगर मेरे पास आंखें नहीं देखने के लिए। तो उसने कहा कि मैं तो तुमको पहले ही समझा रहा। नहीं उसने कहा नहीं आप मुझे मेरी आंखें वापस दे दो, ये सारे धन दौलत लेके चले जाओ, ये पूरे 40% तुम्हारे हिस्से के वो भी लेकर चले जाओ, लेकिन मुझे अच्छा कर दो। फकीर ने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी, मैंने उससे बहुत अपने मेरे की, तो वह बोला मैंने तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया और तुम्हें हमेशा परामर्श भी दिया, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी भलाई हो जाए, मैंने तुमको हमेशा सही परामर्श दिया, सच्चा परामर्श दिया, सही सलाह दी पर तुम नहीं मानी, किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों के लिए जीत की। अब जो कुछ हो गया है वो मुझसे ठीक नहीं हो सकता, तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उसे गिड़गिड़ा कर कहा साईं जी मुझे कोई लालच नहीं रहा, आप शौक से सारी धन संपदा और मेरे सभी 80 ऊंट ले जाइए, सिर्फ मेरी आंखों की जूती वापस मिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि सारे ऊंट पर लगी हुई संपत्ति लेकर वो बसरा की ओर चल दिया। फकीर ने कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि इसके सारे ऊंट और उसके लगी संपत्ति लेकर वो बसरा की ओर चल दिया। ऊंटों की आवाज चलने की आवाज सुनकर मैंने चिल्लाया साईं जी की कृपा तो कीजिए कि इस जंगल की इसी दशा में न छोड़िए, अपने साथ मुझे भी ले चलिए, रास्ते में कोई व्यापारी बंधा जाता होने लगे तो मैं उसके साथ रहूंगा, किंतु उसने मेरी बात न सुनी और चला गया। तब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा, मुझे मार्ग का ज्ञान भी न था कि पैदल ही चल देता, ज्ञान न था कि पैदल ही चल देता, अंत में थक कर गिर गया और भूख प्यासे तड़पने लगा। ये हालत की पकड़ दूंगा, उसने बहुत गिड़गिड़ाया कि मुझे भी साथ लेके चलो, कोई जाता हुआ बगदाद का व्यापारी मिलेगा तो मैं उसके साथ बोलूंगा। उसने वो भी नहीं सुना, इसके धन दौलत से लदे हुए 80 ऊँटों को लेकर वो फकीर वहां से बसरा के लिए चला गया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको अपने अंधेपन के कारण कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है रास्ता कि वहीं भूख प्यास से थककर गिर गया और रखने लगा। सौभाग्य से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। दूसरे दिन व्यापारियों का एक दल ऐसे ही निकला बसरा से बगदाद जाते हुए उसी रास्ते से, वे लोग मेरी हालत को तरस खाकर मुझे बगदाद ले आए। अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि मैं भीख मांगकर पेट पालूं। मुझे अपनी लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली किसी से भीख नहीं मांगा। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर खलीफा ने कहा तुम अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार हो, अल्लाह तुम्हें माफ करे, अब तुम जाकर सारी विश्व मंडली को अपना वृत्तांत बताओ ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का क्या फल होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो, मेरे खजाने में तुम्हें हर रोज 5 रुपये मिला करेंगे, मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज 5 रुपये मिला करेंगे और व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा बुल्ला ने जमीन से सिर लगाकर कहा सरकार के आदेश में खुशी से पालन करूंगा। तो इस प्रकार बाबा बुल्ला ने अपनी पूरी कहानी बताई कि वो अंधा कैसे हुआ, लालच इतनी बुरी बला है, इतनी बड़ी मुसीबत है, इतनी बड़ी परेशानी है कि व्यक्ति अगर लालच में पड़ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उसको कुछ सूझता नहीं है, वो गलत सही समझ नहीं पाता है, अकल पे पर्दा पड़ जाए अगर तो आदमी कैसे निर्णय लेता है जीवन में। बार बार फकीर के कहने के बाद भी कि तुम इसको अगर दाहिनी आंख पे लगाओगे तो इसका परिणाम गंभीर होगा, दोनों आंखों से सदा के लिए अंधे हो जाओगे, बाबा अब्दुल्ला ने नहीं सुना। लेकिन हाँ इसको आखिर खलीफा ने ये सब जानकर सुनकर कि तुम अपने इस हालत के लिए कुछ जिम्मेदार हो
पास टाइम में जाकर ठीक नहीं की जा सकती। तो लालच, लोभ या कोई भी ऐसे दुर्गुण, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, इन सबसे मनुष्य